हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है यूट्यूब चैनल में आपका। मैं आशीष कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, जैसा कि ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं पूरे फ़ोटो को और माला कलरफुल रह जाए, कपड़े कलरफुल रहें, उस तरीके का इफेक्ट बताऊंगा आपको। आइए टाइम नेक्स्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, दोस्तों ये मैं सीट बना रहा हूँ जयमाला की, तो आप देख सकते हैं मुझे ये बड़ा वाला फ़ोटो बीच वाला ये मुझे करना है ब्लैक एंड वाइट, और कपड़े करने हैं इसके कलर। दो तरीके होते हैं दोस्तों ये फैक्ट डालने में। मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। ये आपने लेयर सिलेक्ट कर ली, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिंगल लेयर है, मैंने सिलेक्ट कर ली, इस बॉक्स के अंदर डली हुई है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे दोस्तों इमेज में, उसके बाद एडजस्टमेंट में, यहाँ पर लिखा है रिप्लेस कलर। इस रिप्लेस कलर में आप सिलेक्ट करेंगे, ये इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों। इस ऑप्शन खुलने के बाद आपका ये फुलनेस है ये आपकी कम होगी, इसको आप फुल कर दीजिए। ये मैंने 200 कर दी। इस तरीके से आपको नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं हुए सैचुरेशन लाइटनेस, तो आपको ये सैचुरेशन को कम करना है। इस साइड ये लेफ्ट साइड सैचुरेशन कम कर देंगे हम। ये मैंने पूरी कम कर दी, आप जितना रखोगे उसके अकॉर्डिंग कलर रहेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ोटो को, ये मैंने पूरी कम कर दी, तो इस तरीके का हमारा ये इफेक्ट आ गया दोस्तों। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है इस तरीके का डालना। इस तरीके आप इसे ओके कर दीजिए। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कपड़े माला ऑटोमेटिकली कलर हो गई, और चेहरा और हैंड सारे ब्लैक एंड वाइट हो गए। बट दोस्तों इसमें प्रॉपर तरीके से ब्लैक एंड वाइट नहीं है, आप जैसा कि देख सकते हैं आईज लिप्स हैं, इस तरीके से हल्का हल्का कलर दिख रहा है इन पर, ऐसे हैंड पे और हल्का हल्का हाथों पर भी मेहंदी का कलर है, ये दिख रहा है आपको। प्रॉपर तरीके से ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ है। बैकग्राउंड देखोगा, बैकग्राउंड भी हल्की हल्की कलर दिख रही है। इसमें ये तरीका इफेक्ट डलता है। अदरवाइज इसमें आप चेहरे को सिलेक्ट कर पॉलीगोलर टूल से कटिंग करके, इस तरीके से सिलेक्ट करके आप हेदर देकर 10-15 का ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। बट वो मज़ेदारी नहीं आएगी दोस्तों। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ किस तरीके से पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और माला कलर रहेगी। कपड़े भी कलर करना चाहें कपड़े भी कलर कर सकते हैं उसमें, उसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। आइए उस तरीके को बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। एक तरीका तो ये है, अब इसको हम बैक कर देते हैं। ये हमारा आ गया जैसा फोटो था उसमें, वो आ गया। इस तरीके से आपको मैं बताता हूँ दूसरा तरीका किस तरीके इफेक्ट डालते हैं। आप लेयर 10 की एक और लेयर बना लीजिए, कंट्रोल जे। मैंने ये लेयर बना ली, इस ऊपर वाली लेयर को मैं ब्लैक एंड वाइट कर दूँगा, कंट्रोल शिफ्ट यू हो गई। इस लेयर को ऊपर वाली को इरेज टूल से, जहाँ जहाँ मुझे कलर रखना है उस लेयर को मैं डिलीट करूँगा, ऊपर वाली लेयर को इरेज टूल से। थोड़ा बहुत ऐसा कि आप देख रहे हैं मैं ये इरेज टूल से ऊपर वाली लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, तो इसके पीछे वाली लेयर शो होने लगी, जैसा कि आप समझ रहे हैं। इस तरीके से मैंने लेयर 10 सेलेक्ट किया, इरेज टूल लिया। अब मैं माला को सिलेक्ट करता हूँ छोटा सर्कल करके, इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों इसमें, बट ये प्रॉपर तरीके से इफेक्ट दिखेगा। आप ये कटिंग करके भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से हल्का गलत हो गया तो मैं कंट्रोल ऑल्ट जेड बैक कर दूंगा। थोड़ा सर्कल करके आप इस तरीके से पूरे माला पर इस तरीके से फिर दीजिए, रेज हो जाएगा ये सारा। अब ये चुन्नी है, चुन्नी पर करना चाहो आप चुन्नी पर कर सकते हो, जहाँ रेज करना है आपको वो रेज होता चलेगा। आपको कपड़े रेज करने हैं, आप कपड़े को भी सिलेक्ट करके इस तरीके से आप कपड़े करते रहिए, तो आप कपड़े भी दिखेंगे आपके कलरफुल। ऊपर वाली लेयर हमारी रेज होती जाएगी, नीचे का बैकग्राउंड इसकी लेयर है वो शो होती जाएगी ऊपर।
इस तरीके से हम ये इफेक्ट डालेंगे। इसमें थोड़ा दोस्तों टाइम लगता है इफेक्ट में, इससे पहले मैंने इफेक्ट बताया उसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, हाल हो जाता है, बट ये उससे ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से मैंने ये कर दिया, इस साइड का कर देता हूँ, तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप थोड़ा आराम से करिएगा, थोड़ा कहीं भी कलर ना जाए, आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये माला हो गई इस तरीके से, नीचे वाली साइड माला करेंगे पूरी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ओनली सिंगल रखना चाहो तो दोस्तों आपने इन्होंने माला डाली है तो इस तरीके से सिंगल भी माला कर सकते हैं कलरफुल, अदरवाइज दोनों की माला करनी है आपको, दोनों की भी आप कलर कर सकते हैं। ये मैंने कलर कर दी इस साइड की भी, सॉरी चूड़ियों पर चला गया। ये हो गई दोस्तों दोनों माला हो गई कलर। अगर आप चेहरे को करना चाहें चेहरे को भी कर सकते हैं कलरफुल, जिस चीज़ को आपको करना है उसे इरेज करते जाइए, इरेज टूल से आप चेहरे को कटिंग करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं पॉनी गोलर टूल से सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने दोस्तों ये पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लिया, बट आपको दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये मैंने इतना पोर्शन सिलेक्ट कर लिया ओनली दोस्तों, मैंने सारे सारे को सिलेक्ट किया है। ये सारे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें फेदर दूंगा, एक या दो का, एक का दिया मैंने, डिलीट मार दिया। इस तरीके से दोस्तों सहरा भी हो गया, आप इस तरीके से कर सकते हैं, और चूड़ियों करना चाहो चूड़ियों कर सकते हैं इरेज टूल से। जिसको आपको कलर करना है उस पर रेस टूल से आप कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों ये हो गया। चुन्नी को करना है आपको, लेकिन ये मैंने कटिंग करके, अब वो कटिंग करके सेलेक्ट करके इस साइड इस तरीके से ओके डी सेलेक्ट कर दिया, फेदर देंगे कंट्रोल डी के साथ, डिलीट एक का और डिलीट मार देंगे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके, टैन लेयर को जिसको कॉपी किया था हमने। इस तरीके से दोस्तों ये इफेक्ट डल गया हल्का सा, इस साइड चुननी है, ये साइड भी करेंगे जिस टूल से कर लेता हूँ, हो गया दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा इफेक्ट डल चुका है ब्लैक एंड वाइट में कलर, ब्लैक एंड वाइट फोटो करने के बाद जो जो आपको कलर करना है वो कर सकते हैं आप। मैं आपको जल्दी जल्दी करके बताया, आपको आराम से करना है तो काफ़ी अच्छा आएगा कलर। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों आप कलर डाल सकते हैं, मैंने जैसा कि पहले बताया पहले वाले इफेक्ट किस तरीके डालेंगे, और ये दूसरे तरीके से इफेक्ट ये वाला डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का इफेक्ट अपनी एल्बम में डाल के आप और अच्छी एल्बम को लुक दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ओके तब तक के लिए बाय।